सुप्रभातम आप सभी छात्रों को। अभी मैं क्लास 6 टू 10 के लिए संस्कृत ग्रामर में कारक पढ़ाने जा रहा हूं। कारक जो है रीढ़ होता है व्याकरण का, व्याकरण शास्त्र का कारक जो है रीढ़ है। यदि कारक का ज्ञान हो गया तो कारक के हिसाब से आप अनुवाद बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, अनुच्छेद लिख सकते हैं, इस तरह के तमाम समस्याओं का समाधान और पढ़ने में काफी सहूलियत मिलती है यदि आपको कारक का ज्ञान हो जाता है। तो आइए हम लोग कारक प्रकरण शुरू करते हैं, जो क्लास 6 से लेकर के 10th तक के सभी छात्रों के लिए यह अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम यानी कि क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। अब देखिए सह फलम खादति, यहां पर खादति क्रिया है और इस खादति क्रिया के साथ सह का संबंध है। लिखसी क्रिया के साथ त्वम का संबंध है, गच्छामः के साथ वयम का संबंध है। यानी कि क्रियाओं के साथ जिसका सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इसी को हम कारक कहेंगे। तो इसमें सह को, त्वम को, वयम को कारक कहेंगे। उसके बाद फलम को भी कारक कहेंगे, लेखम को भी कहेंगे, विद्यालयों को भी कहेंगे। क्योंकि यह कर्म है, ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फलम भी कारक है, लेखम भी कारक है, विद्यालय भी कारक है, लेकिन यह कर्म कारक है और ये कर्ता कारक है। तो आपने देखा खादती प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और शादी प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। यहां पे लिखसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है और यहां पर त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। यहां पर गच्छामः जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और यहां पर जो वयम है यह उत्तम पुरुष सर्वनामिक शब्द का बहुवचन का कर्ता है। यानी कि क्रिया जिस वचन में है उसी वचन में कर्ता भी है। यहां क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है तो यहां कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो इस प्रकार से स फलम खादति, खादति क्रिया के साथ खाता है कौन, तो स वह। लिखसी लिखते हो कौन, तो त्वम तुम। जाते हैं कौन, तो वयम हम लोग। तो क्रिया के साथ स का, त्वम का, वयम का संबंध है, इसलिए इसको हम लोग कारक कहेंगे। अब देखेंगे कारक को 8 वर्गों में विभक्त किया गया है, यानी कि कारक के 8 भेद हैं और इनकी विभक्तियां 7 होती हैं। तो ये जो कारक के 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। तो ये कारक के 8 भेद हो गए। तो 8 भेदों को अब विभक्तियों के आधार पर आप लोगों को पढ़ना होगा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं और कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक, और कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अब इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कर्ता कारक क्या है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कर्ता कारक का सूत्र है
क्रिया संपादक क्रिया संपादक कर्ता। ये कर्ता कारक का डिफिनेशन संस्कृत में हो गया क्रिया संपादक कर्ता, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में भी डिफाइन करेंगे। कहता है कि क्रिया संपादन में जो अत्यंत सहायक सिद्ध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यथा रामः लेखं लिखति शिक्षकः व्याकरणं पाठयति महिला आपणं गच्छति। ध्यान देंगे सूत्र बोलता है क्रिया संपादकः कर्ता, यानी कि क्रिया संपादन में जो अत्यंत सहायक सिद्ध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया को स्पष्ट करने में, क्रिया को पूर्ण होने में जो पूर्ण रूप से हेल्प करता है, पूर्णतया मदद करता है, वही कर्ता कारक होता है। तो ध्यान देंगे रामः लेखं लिखति, इस वाक्य में लिखति क्रिया है, लिखति क्रिया को रामः ने हेल्प किया। लिखता है कौन, यानी कि राम। पाठयति पढ़ाता है कौन, तो शिक्षक। गच्छति कह महिला, तो गच्छति क्रिया के साथ महिला का संबंध, यानी कि गच्छति क्रिया को अस्पष्ट किया महिला, पाठयति क्रिया को शिक्षक, लिखति क्रिया को रामः। इसलिए क्रिया को पूर्ण होने में पूर्ण रूप से सहायता किया रामः, शिक्षक महिला। इसलिए इन शब्दों को हम कर्ता कारक कहेंगे, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अब ध्यान देंगे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा यह सूत्र बोलता है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा वानरः वृक्षे कूर्दति, अजा तृणम् चरति। इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये वानरः वृक्षे कूर्दति, इत्यस्मिन् वाक्ये कूर्दति क्रिया अस्ति, कूर्दति क्रियायाः कृते वानरः कर्ता अस्ति, अस्मात् कारणात् वानरः इत्यत्र कर्ता कारकः प्रथमा विभक्ति इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्तम् अस्ति। अजा तृणं चरति, इत्यस्मिन् वाक्ये चरति क्रिया अस्ति, चरति क्रियायाः कृते अजा कर्ता अस्ति, चरति क्रिया अस्ति, चरति क्रियायाः कृते अजा कर्ता अस्ति, अस्मात् कारणात् अजा इत्यत्र स्त्रीलिङ्ग शब्दे प्रथमा विभक्ति
एकवचनस्य प्रयोगम् अस्ति। अस्मात् कारणात् वानरः अजा, ये जो दोनों शब्द हैं इसे हम कर्ता कारक कहेंगे और इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब इसके लिए होमवर्क रहेगा कि जो भी कारक हम पढ़ाए हैं, अब अगली कक्षा में कारक की जो सातों विभक्तियां हैं इनको डिटेल्स किया जाएगा, कौन विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किसलिए होता है, इसको पढ़ाया जाएगा। इसी के आधार पर आप सभी को बालक शब्द रूप लिख करके याद करना है होमवर्क के लिए। बालक शब्द रूप किसी भी संस्कृत व्याकरण की किताब में आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा और आप बालक शब्द रूप लिख करके इसको याद करेंगे। धन्यवाद।